हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, पिछले दिन आप लोग एक्सरसाइज 4.4 में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ दिया हुआ था, जिसे आप लोग बनाए थे, पढ़े थे। वही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.5 में सब्ट्रैक्शन चैप्टर का ही यह एक्सरसाइज है, जो आपको 4.5 में सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे और समझने के बाद इस चैप्टर के सवाल को आपको बनाना है। आप लोगों को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना पीछे मैंने सिखाया है, उसी तरह आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट इस चैप्टर में भी करेंगे। आप जो क्वेश्चन वर्ड में दिया हुआ है, पहले उस क्वेश्चन को समझिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़कर समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 8375, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8375 है। द नंबर ऑफ मेल इज 4329, मेल मीन्स पुरुष होता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4329 है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल मीन्स स्त्रियां, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए आप टोटल जनसंख्या में से मेल का जनसंख्या माइनस कर देंगे। जैसे कि देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है द नंबर्स ऑफ फीमेल, स्त्रियों की संख्या इज इक्वल टू ये टोटल जनसंख्या में से हम पुरुषों की जनसंख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ फीमेल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ फीमेल्स। दूसरा नंबर में देखिए, कहता है कि ए मैन अर्न्स 17950 रुपीज एंड इज वाइफ अर्न्स 15688 रुपीज। कहता है बच्चों कि एक व्यक्ति 17950 रुपया कमाता है और उसकी पत्नी 15688 रुपया कमाती है। अर्न मीन्स कमाना, आमदनी, तो दोनों की कुल आमदनी कितनी हो गई। इसके लिए क्या करेंगे हम, दोनों रुपया को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ऐड करके जो आंसर आएगा वो टोटल इनकम हो गया, टोटल आमदनी हो गया उन दोनों व्यक्तियों की। आगे प्रश्न कहता है कि दे बोथ स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है बच्चों खर्च करना, 21680 रुपीज। अब बच्चों ये दोनों आदमी मिलकर स्त्री पुरुष 21680 रुपया खर्च कर देते हैं, तो कितना बच गया। तो आप दोनों की आमदनी को यहाँ ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद ये टोटल आमदनी आ गया। अब इस टोटल आमदनी को बच्चों यहाँ पर लिख करके, इसमें लिख करके ये टोटल खर्च है इसको घटा देंगे, तो यहाँ आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। टोटल आमदनी यहाँ ऐड करके जो आएगा उसको यहाँ ऊपर लिखेंगे और उसमें से ये 21680 रुपीज जो लोग खर्च करते हैं उसको इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका सेविंग हो गया। कोई दिक्कत?
थर्ड नंबर में कहता है बच्चों इन स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 16,522 स्टूडेंट, एक स्कूल में 16,522 बच्चे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, उसमें लड़कियां हैं 8,926, लड़कियों की संख्या कितना है 8,926। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्चों नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट में से ये बच्चों की संख्या हम माइनस कर देंगे, तो जो माइनस होकर आंसर आएगा वो आपका किसका, लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सम ऑफ 8,315 एंड 2,473, सम ऑफ, सम मतलब ऐड, 8,315 और 2,473, इस दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड कहता है सम, सम करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके यहां जो आंसर आएगा उसको कहता है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 17,335, जो ऐड करके यहां जो आंसर आएगा बच्चों वो आंसर को यहां पर लिखेंगे इसके नीचे और लिख करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। फिर से ध्यान दो बच्चों, इस दोनों नंबर को ऐड करने के लिए कहता है तो आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 17,335 के नीचे लिख करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करके जो आपका नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर, कहता है कि यदि कोई दो नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर आता है 70,351। उस दोनों ने का एक नंबर दिया हुआ है बच्चों, कौन सा, बड़ा वाला, द ग्रेटर नंबर इज 56,431, एक नंबर ये दिया हुआ है तो अदर नंबर क्या होगा, तो बच्चों अदर नंबर निकालने के लिए ये इस नंबर में से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि देयर आर 6,535 बुक्स ऑफ इंग्लिश इन लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में इंग्लिश का बुक जो है वो 6,536 है एंड 5,629 बुक्स ऑफ हिंदी, और हिंदी का इतना बुक्स है। इफ 7,298 बुक्स वेयर इशू, देन हाउ मेनी बुक्स वेयर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, हिंदी का बुक है बच्चों 6,536, नहीं इंग्लिश का, और हिंदी का बुक है बच्चों 5,629, तो लाइब्रेरी में टोटल बुक कितना हो गया, इस दोनों नंबर को आप ऐड कर देंगे ये टोटल लाइब्रेरी का बुक हो गया। आज इस बुक में से कुछ लोग पढ़ने के लिए लेकर चले गए हैं, तो कितना लेकर चले गए हैं 7,298, इतना बुक लोग बच्चे इशू करा लिए पढ़ने के लिए, तो कितना बुक बच गया, तो जो ऐड करके आपका आंसर आया है उसमें से बच्चों ये 7,296 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा लाइब्रेरी में उतना बुक आपका बच गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए व्हाट मस्ट बी एडेड टू 12,637 टू गेट 43,618, प्रश्न कहता है बच्चों कि 12,637 में कितना ऐड करेंगे कि 43,618 होगा, तो वह नंबर लाने के लिए बच्चों
43,618 में से 12,637 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक नंबर में कहता है बच्चों, हाउ मच इज 58,972 ग्रेटर देन 40,850। कहता है बच्चों कि 58,972 जो है वो 40,850 से कितना अधिक है। तो ये अधिक निकालने के लिए, ग्रेटर निकालने के लिए बच्चों 58,972 में से आप 40,850 को माइनस कर देंगे, माइनस होकर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में मात्र 8 सवाल है जिसे आप A to Z 1 से 8 तक एक एक वर्ड आप समझ चुके हैं। अब आप इसे अपने नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।